विधायक कुलदीप राठौर ने शनिवार को राजभवन जाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राठौर ने कहा कि प्रदेश में भारी बरसात से राज्य की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों, आवासों और सैकड़ों लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। राठौर ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार से प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध करवाने का आग्रह करें। उन्होंने राज्यपाल को ठियोग विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान की भी जानकारी दी। देखिए, यूँ तो पूरे देश में नुकसान हुआ है और हमारे प्रदेश में भी नुकसान हुआ है और ख़ासकर हमारा जो जिला शिमला है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वहाँ दौरे पे हूँ और मैं जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ स्वयं गया हूँ और मैंने जाकर देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। हमारे कई जगह पे जो मकान है वो ढह गए हैं। लोगों को रहने की हमने अस्थाई व्यवस्था की है। कुछ लोग ऐसे भवन हैं जो असुरक्षित डिक्लेयर हुए हैं और वो लोग जो है अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहरने के लिए मजबूर हैं। और हमारे जो सेब के बगीचे हैं वो कई जगह पर जो है बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है और जो हमारे बागवान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो हमारे सड़कें हैं वो भी अच्छे हालात में नहीं है। जो छोटे छोटे रोड हैं वो वॉश आउट हो गए। तो मैंने एक दिन नारकंडा में जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी बैठक की, और पिछले कल हमने ठियोग में जो हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी हमने बैठक की। बीच में श्री जगत सिंह नेगी जी और रोहित ठाकुर जी भी आए थे। उन्होंने भी मेरे क्षेत्र का चार पांच पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने भी परिस्थिति देखी, बहुत विकट है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सके मार्ग खोलें। मार्ग खुल भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, कई बार होता है कि रास्ता खुलता है फिर से रास्ता जो है बंद हो जाता है। जो प्रभावित परिवार है उनको भी सरकार की तरफ से जो उचित मुआवजा है वो दिया जा रहा है। और हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो पूरी रिपोर्ट इकट्ठी कर रहा है और जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की रिपोर्ट जो है सरकार को भेजेंगे। और हमें पूरी आशा है कि प्रदेश सरकार जो है जो भी प्रभावित हमारे किसान और बागवान हैं उनकी जो है मदद करेगी। आज मैं महामहिम राज्यपाल मोदी जी, उन्होंने मुझे कहा कि वो इस मामले ये मामला पूरा उनके संज्ञान में, उन्होंने केंद्र में बात की है, वो और भी केंद्र से बात करेंगे। और अभी कुछ अगस्त के पहले सप्ताह में नितिन गडकरी जी भी यहाँ आने वाले हैं, वो भी यहाँ देखेंगे नुकसान कितना हुआ है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी दिल खोलकर हिमाचल की इस आपदा में जो है मदद करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी प्रदेश सरकार है वो भी बराबर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। और अभी पिछले दिनों केंद्र की भी यहाँ टीम आई थी और अभी लोगों के आंसू पोंछने की ज़रूरत है। हमारी बैठक हुई, हमारे जो अधिकारी थे और हमारे जो नगर परिषद के तमाम हमारे जो पार्षद हैं, हमारे जो वहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग मौजूद थे। इस बार हमने निर्णय लिया है कि पहले दो दिन का उत्सव होता था, इस बार हमने निर्णय लिया है कि क्योंकि ये उत्सव बहुत लोकप्रिय है तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि ये उत्सव हम तीन दिन तक चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।